वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज एक और यूज़फुल टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। ये टॉपिक इकोलॉजी से ही रिलेटेड है। इकोलॉजी के कुछ हमने टॉपिक किए थे, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था एनर्जी पिरामिड्स क्या होते हैं, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो इसमें इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं रिगार्डिंग द मॉडल्स, एनर्जी फ्लो के जो मॉडल हैं, तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ सके। और ये टॉपिक बीएससी, एमएससी, यूपीएससी, नीट, मास्टर कैडेट के लेवल का टॉपिक है और इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया था एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसर इन द अब्जॉर्प्शन एंड देन कन्वर्जन ऑफ द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कितनी एफिशिएंसी से वो फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बना रहे हैं। द यूज़ ऑफ दिस कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी फॉर्म बाय द कंज्यूमर, कितनी वो एनर्जी कंज्यूमर दिखा रहे हैं, यानी हर्बीवोरस कितने हैं। टोटल एसिमिलेटेड एनर्जी इन द फूड फॉर्म ऑफ द फूड एंड इट्स एफिशिएंसी ऑफ एसिमिलेशन, ऑर्गेनिज्म कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसको बॉडी में कैसे यूटिलाइज कर रहा है, डेट इज़ द एसिमिलेशन। लॉस ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन, हीट एक्सक्रीशन एंड फाइनली क्या कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, यानी कुछ एसिमिलेटेड होती है, बाकी रेस्पिरेशन और एक्टिविटी में निकल जाती है। ग्रॉस नेट प्रोडक्शन, सो ये जो चीज़ें हैं ये इफेक्ट करती हैं, इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी है और ये मैंने आपको समझा चुका हूँ। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी फ्लो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, देयर आर द टू टाइप ऑफ एनर्जी फ्लो मॉडल। इसके दो मॉडल्स हैं, सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल एंड वाई शेप और टू चैनल, सिंगल चैनल और टू चैनल मॉडल, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल चैनल का जो मॉडल है उसके ऊपर बात करते हैं। सिंगल चैनल जो मॉडल है इसमें फिगर आपको मैं दिखा दूंगा आगे, और यहाँ क्लियर है डेट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फूड चेन एंड वर्किंग ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दोनों लॉ चलते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, ये लॉ तो चलता ही है। केमिकल एनर्जी बनती है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्टेड होती है फूड में, एनर्जी लॉस्ट यानी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। और सोर्स एंड सिंक का भी है, टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के लिए एनर्जी बैलेंस, कैलोरी का बैलेंस करने के लिए कुछ एनर्जी सराउंडिंग को देनी पड़ती है, ये सेकंड लॉ है। सो आउट ऑफ द टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन कितनी आ रही है पर ईयर में, इतना उनका बताया हुआ है ग्राम कैलोरी सेंटीमीटर पर ईयर। द ग्रोस प्रोडक्शन और जो इससे करते हैं ऑटोट्रोप, डैट इज़ ओनली 111 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर पर ईयर विद एफिशेंसी 0.1% कैप्चर करते हैं। और इसमें जो 118761 जो है इसके 1% ही वो यूटिलाइज होती है। सो यहाँ आगे अगर हम बात करें, सो बाकी यहाँ जो है अनयूटिलाइज रह जाती है, 0.1% ही जो प्लांट यूज़ कर पाते हैं। सो एट द लेवल ऑफ ऑटोट्रोफ की अगर बात करें, 23 ग्राम कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी 21% ऑफ कन्वर्टेड एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ ऑटोट्रोफ फॉर देयर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, यानी इसमें 23% अपने ऊपर यूज़ करते हैं, 70% जो है डेट इज़ द 79.5 ऑफ द नेट प्रोडक्शन जो अनयूटिलाइज रहती है, एंड 15 ग्राम जो है डेट इज़ 17 ग्राम जो है 17% जो है ऑटोट्रोफ प्रोडक्शन की फर्दर कंज्यूम बाय हर्बीवोरस, यानी 70% जो है हर्बीवोरस को जाती है, डैट फीड ऑन ग्रास के ऊपर जो फीड करते हैं ऑटोट्रोफ को जो खाने वाले हैं। और डिकम्पोजिशन ऑफ जो है अकाउंट फॉर 3 ग्राम, यानी 3.4% ऑफ द नेट ऑटोट्रोफ प्रोडक्शन जो डिकम्पोजिशन में जाती है। सो इट मे बी वर्थ मैंशनिंग डैट द कलेक्टिवली थ्री कंपोनेंट, इसमें थ्री कंपोनेंट्स हैं, डैट ए हर्बीवोरी नॉन यूटिलाइज एंड डिकम्पोजिशन, ये एनर्जी के तीन कंपोनेंट्स हैं। हर्बीवोरस को कितनी आ रही है, कितनी वेस्ट ही आ रही है, कितनी डिकम्पोजिशन में आ रही है, आर इक्विवेलेंट टू नेक्स्ट
प्रोडक्शन, ये नेट प्रोडक्शन में आते हैं। दीज थ्री कॉम्पोनेंट वेन आर एडेड टू कंज्यूम्ड एनर्जी दैट इज़ द रेस्पिरेशन अकाउंट फॉर ग्रोस प्रोडक्शन एट ऑर्डर ड्रॉप लेवल। इससे हमें ग्रोस प्रोडक्शन पता चलती है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दैट इज़ अ मच मोर एनर्जी इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर हर्बीबोरी देन डैट कंज्यूम्ड बाई ऑर्डर ड्रॉप। यानी हर्बी बोरस के पास एनर्जी ज़्यादा होती है जितनी कि आप ऑटोट्रॉप कंज्यूम कर पाते हो। हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ दिस अवेलेबल एनर्जी डेट इज 70% रिमेन अनयूटिलाइज एंड गोस वेस्ट एज हीट। 70% इसका भी जो है वो वेस्ट में चला जाता है। एट द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल अगर हम बात करें, हर्बी बोरस की बात करें, सेकेंड लेवल आ गया, द ऑफ टोटल एनर्जी इनकॉर्पोरेटेड डेट इज़ द 15 ग्राम जो है कैलरी सेंटीमीटर पर ईयर डेट इज़ 4.5 ग्राम। 30% जो है इसका यूटिलाइज इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी 15% का जो है, यानी 15 ग्राम का 4.5 ग्राम जो है अपनी एक्टिविटी में हर्बीवोरस यूज़ करते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट है नोट करना, डेट इज़ इट इज़ कंसिडरेबल डेट इज़ अ मोर एनर्जी लॉस्ट बाय रेस्पिरेशन बाय हर्बीवोरस। हर्बीवोरस रेस्पिरेशन ज़्यादा करते हैं तो 30% ऑफ एनर्जी लॉस कर देते हैं। एंड देन द ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप कितनी लॉस करते हैं, 21%। अगेन यहाँ पे कंसिडरेबल एनर्जी डेट इज़ 10.5 ग्राम जो है डेट इज़ 17% किसका, 15 ग्राम का 70% कितना गया, 10.5 ग्राम अवेलेबल फॉर कार्निवोरस विच इज़ नॉट इंटायरली यूज। 10.5 ग्राम जो है कार्निवोरस के पास जाएगी जो पूरी यूज़ नहीं होती। एक्चुअली इसका जो 3% है, यानी 3 ग्राम कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से डेट इज़ 28.6 ग्राम नेट प्रोडक्शन पास टू द कार्निवोरस एंड जो बाकी है अनवेस्ट चली जाती है। सिग्निफिकेंट अमाउंट देखें, 0.5 ग्राम कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर अकाउंट फॉर डिकम्पोजिशन। 0.5 ग्राम इसका कहाँ चला जाता है, डिकम्पोजिशन में। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो मॉडल यहाँ पे बताया हुआ है, टू थिंग्स आर क्लियर। इससे क्या क्लियर हो जाती हैं, फर्स्टली यहाँ अगर देखें, देयर इज यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। इसका एक एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। पहले आपको मैं मॉडल ही दिखा देता हूँ, ये बात कर रहा है यहाँ मॉडल की। ये दोनों ही यूनिडायरेक्शनल मॉडल हैं, सिंगल चैनल मॉडल हैं। फर्स्टली आपको दिखा दूँ, यहाँ सोलर रेडिएशन सन से आ रही हैं, इतनी मैंने फिगर बता दी थी आपको। ऑटोट्रॉप जा रहे हैं, जो इसकी ग्रॉस प्रोडक्शन है 111। उसके बाद डिकम्पोजिशन में कितनी गई, 3 ग्राम डिकम्पोजिशन ऑटोट्रॉप लेवल पे, फिर हर्बीवोरस लेवल 0.5 ग्राम, फिर कार्निवोरस लेवल पे ट्रेसिस डिकम्पोजिशन में जाएंगे। तो इसका आगे 15 ग्राम आ गई हर्बीवोरस के पास, 3 ग्राम कार्निवोरस के पास आ गई, और 3 ग्राम का 1.2 ग्राम अनयूटिलाइज रह जाता है। फिर यहाँ पे अनयूटिलाइज 70% रहेगी इसका, इसमें 70% अनयूटिलाइज रहेगी। 1.8 ग्राम रेस्पिरेशन में चलेगी, 4.5 ग्राम रेस्पिरेशन में चलेगी, 23 जो है इसका कहाँ चलेगी, रेस्पिरेशन में। तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बाकी आगे देखें, ये एक और वे है बताने का। यहाँ पे देखिए लेवल है, प्रोड्यूसर लेवल है हर्बीवोरस कार्निवोरस, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर लेवल की बात कर रहा है। ग्रीन प्लांट टोटल लाइट आ रही है, इंसीडेंट रेडिएशन आ रही है, फिर यहाँ पे लीनियर जो है टोटल एनर्जी इनपुट जो है आई इनपुट है, एल ए जो है लाइट अब्जॉर्ब कितनी अब्जॉर्ब हो रही है, एल ए लाइट कितनी अब्जॉर्ब हो रही है उसका बता दिया। लाइट कितनी अब्जॉर्ब हुई, ये लाइट है 1500 जो है अब्जॉर्ब हुई। फिर नेट प्रोडक्शन 15 दूसरे थर्ड लेवल पे, ठीक है, ये लाइट की बता रहे हैं। पर यहाँ पे इंसीडेंट लाइट से अब्जॉर्ब, फिर प्राइमरी ग्रॉस प्रोडक्शन, फिर उसके बाद बताया हुआ है यहाँ पे एसिमिलेशन फॉर ए एंड रेस्पिरेशन आर के लिए, फिर नेट प्रोडक्शन प्राइमरी, फिर ऐसे जा रहा है। तो एन यू जो है एनर्जी नॉट यूज, ये एनर्जी जो डेसिपेटेड हो रही है सराउंडिंग में, ये एन यू है। एंड एन ए एन नॉट एसिमिलेटेड, जो यूज़ नहीं हुई। तो इस तरह से ये मॉडल बताया हुआ है, ऐसे जाती है। एक तो रेस्पिरेशन है, एक अनयूटिलाइज और अनअसेमिलेटेड है। रेस्पिरेटेड जो है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो यूज़ कर रहा है एनर्जी, उसको कहेंगे, उसको निकाल के ग्रॉस बनेगी। तो इससे क्या पता चलता है, तो एक तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है एनर्जी का, एंड एनर्जी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉप डज नॉट रिवर्ट बैक, वापस नहीं आती सन को, वापस नहीं जाएगी, वो हर्बीवोरस को जाएगी।
विच पास्ड टू हर्बीवोरस डज नॉट बैक टू ऑटोट्रॉप। हर्बीवोरस की एनर्जी ऑटोट्रॉप को नहीं जाती पर कंज्यूमर को चली जाती है। ड्यू टू वन वे फ्लो द सिस्टम वुड कलैप्स इट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी वेयर कट ऑफ। डैट इज़ क्या है, ड्यू टू वन वे एनर्जी सिस्टम वुड कलैप्स। इस वजह से सिस्टम कलैप्स हो सकता है क्योंकि एनर्जी जो है वापस नहीं जा रही। ये मॉडल इस कारण से थोड़ा सक्सेसफुल नहीं है। एट ईच ट्रॉफिक लेवल देयर अकर प्रोग्रेसिव डिक्रीज एनर्जी। एनर्जी डिक्रीज होती है हर एक लेवल पे, मैंने आपको बता दिया। दिस इज़ अकाउंटेड लार्जली बाय एनर्जी लॉस्ट एज हीट में चली जाती है और अनयूटिलाइज रह जाती है। तो यहाँ पे जो 14.16 जो फिगर है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या बताया हुआ है, डैट इज़ अ सिंप्लीफाइड एनर्जी फ्लो है थ्री टॉपिक लेवल का। वन कैन क्लियरली नोट, इससे क्या पता चल सकता है किसी को, डैट इज़ द एनर्जी फ्लो डिक्रीज होता है एट ईच सक्सेसिव लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर डैट इज़ ऑटोट्रॉप टू हर्बीवोरस देन टू कार्निवोरस। और इसमें जो बॉक्सेस हैं वो क्या देते हैं, ट्रॉफिक लेवल। जो पाइप्स हैं वो क्या बताते हैं, एनर्जी फ्लो बताते हैं इन एंड आउट लेवल। वर्किंग ऑफ बोथ द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से क्लियर है, डैट इज़ एनर्जी इन फ्लो बैलेंस द आउट फ्लो एट ईच टॉपिक लेवल। दोनों पे एनर्जी का बैलेंस है, इनपुट और आउटपुट का बैलेंस रहता है एज पर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड कंप्लेंट बाई डेसिपेशन इन टू अनअवेलेबल। यानी एनर्जी ट्रांसफर अगर होनी है किसी लेवल पे तो कुछ एनर्जी सराउंडिंग को देनी पड़ेगी अनयूटिलाइज, डैट इज़ रेस्पिरेशन पर सेकेंड। ये आपका आ गया सेकेंड लॉ, ये सेकेंड लॉ आ गया। सो द टोटल जो है 3000 किलो कैलोरी ऑफ लाइट जो ग्रीन प्लांट पे पड़ रही है, 1500 किलो कैलोरी यानी 50% जो है अब्जॉर्ब होगी बाय बीच। इसका 1% यानी 15 कैलोरी ऑटोट्रॉप ने यूज़ किया फर्स्ट लेवल पे। सो द नेट प्रोडक्शन जो है इज मेयरली, यहाँ पे बता रहा है, सो नेट प्रोडक्शन इज मेयरली 15 किलो कैलोरी प्रोडक्शन होगी। सेकेंडरी पे जो शो किया गया यहाँ पे P2 P3 फिगर में 10% लेंगे सक्सेसिव लेवल पे एट हर्बीवोरस लेवल एंड कार्निवोरस। एज हैज़ अर्लियर बीन मेंशन्ड देयर इज सक्सेसिव डिक्रीज इन एनर्जी फ्लो एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। सो शॉर्टर द फूड चेन ग्रेटर वुड बी अवेलेबल एनर्जी। सो इसलिए जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं 3 या 4 तक ही माने जाते हैं, ज़्यादा लंबी फूड चेन नहीं चलती क्योंकि जितनी लंबी फूड चेन होगी वहाँ एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये था सिंगल चैनल मॉडल। तो यहाँ से वन कन्वेंशनली यहाँ आर्ग्यू है विद रिडक्शन इन एनर्जी फ्लो एट ईच ट्रॉफिक लेवल जो पाइप पे शो हुआ है, देर इज़ आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन बायोमास। बायोमास भी डिक्रीज होता है, वो बॉक्सेस यहाँ शो किए हुए हैं। डैट इज़ हो एवर दो पेरिंटेंट टू मैंशन डैट ऑब्जर्वेबल कोरिलेशन नेवर मीन डैट देर एग्जिस्ट एनी कोरिलेशन बिटवीन बायोमास एंड एनर्जी। सो इससे इतना नहीं मान सकते कि बायोमास का एनर्जी से कुछ बैलेंस है या नहीं है। तो कुछ इसकी ड्रॉबैक्स हैं, काफ़ी हद तक ये मॉडल सक्सेसफुल है क्योंकि यूनिडायरेक्शनल ऐसे सिस्टम कलैप्स हो सकता है, ये इसकी मेन ड्रॉबैक है। आगे हम आपको जो बताने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, डैट इज़ अ बाई शेप मॉडल, और इसको हम क्या कह देते हैं, डबल चैनल। और सिंगल चैनल जो एनर्जी का मॉडल था जो हमने अभी आपको बताया है, वो बताया था आर डिस्क्राइब इन फिगर 14.15 एंड 16। सिमिलर एनर्जी फ्लो मॉडल जो था बाय डिफरेंट वर्कर ने दिया था फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, जैसे टील 1957 में उसने दिया था प्रिपेयर्ड एनर्जी फ्लो मॉडल ऑफ द रूट स्प्रिंग इन USA। हेयर मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिच मटीरियल ईटन बाई हाइड्रोट्रॉप इंटर टू सिस्टम एज डिट्राइटस यानी डिब्रीज डेड मटीरियल। सिमिलरली HT ओडम 1957 में एनर्जी फ्लो मॉडल दिया था फॉर सिल्वर स्प्रिंग फ्लोरिडा USA में। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोट्रॉप फूड चेन वॉज प्रोड्यूस बाई ग्रीन ऑटोट्रॉप। सो इट वॉज EP ओडम हु इन 1962 नोटेड एज द बेसिक डिफरेंस, डैट इज़ इन वन मॉडल फूड चेन जो है बिगेन विद डेड प्लांट पार्ट डैट इज स्टील मॉडल, इन अदर बिगेन विद द लाइव प्लांट डैट इज ST ओडम। यानी इसमें फूड चेन एक तो होती है लिविंग की, एक होती है डेड की। किसी में फूड चेन लिविंग से स्टार्ट होती है, किसी में डेड से। सो EP ओडम ने कहा था नेचर में देयर प्रेजेंट टू बेसिक फूड चेन, ग्रेजिंग एंड डेट्राइटस। जो डेड में चलती है डेट्राइटिस है, जो लिविंग में है वो ग्रेजिंग में। एंड जो 14.70 फिगर आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिश बाई शेप एनर्जी मॉडल जो था
और पॉइनियर्स के टी एच ओडम थे। दिस मॉडल शो द कॉमन बाउंड्री लाइट एंड हीट फ्लो एज वेल एज इनपुट एक्सपोर्ट स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजर जो है आर प्लेस इन सेपरेट बॉक्स एज मीन ऑफ पार्शली सेपरेटिंग द ग्रेजिंग एंड डिट्राइटस फूड चेन। सो इट टर्म क्या है, इन टर्म यहाँ पे है क्या, एनर्जी लेवल में डिकम्पोजर आर फैक्ट मिक्स ग्रुप। डिकम्पोजर एक मिक्स में आ जाते हैं। सो यहाँ पे क्या है, इट कन्फर्म द बेसिक स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ इको सिस्टम। इट सेपरेट द टू चेन, ग्रेजिंग एंड डिट्राइटस को चेंज कर देता है टाइम एंड स्पेस के हिसाब से। माइक्रो कंज्यूमर जो बैक्टीरिया फंजाई है एंड मैक्रो कंज्यूमर एनिमल है डिफर ग्रेटली इन साइज एंड मेटाबॉलिक, दोनों में ही डिफरेंस है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, इसको पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन उन्होंने जो ऐड किया था मैंने आपको बताया, उसी वजह से ये सक्सेसफुल है। क्या ऐड किया है आपको पता चल गया होगा, डेट इज़ अ डिट्राइटस। डिट्राइसिस के लिए अलग बॉक्स बना है, इसने दोनों मॉडल जो हैं बता दिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ सनलाइट पड़ी, फोटोसिंथेसिस हुई, नाल कनेक्शन जुड़ गया बॉक्स का, रेस्पिरेशन प्लांट ने की अपनी, फिर ग्रॉस प्रोडक्शन जो यूज़ हो गई, ठीक है। बाकी क्या आ गया यहाँ, प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बाद इम्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर भी आ रहा है ना, फिर उसके बाद नेट प्रोडक्शन प्राइमरी, फिर हर्बीवोरस ने खा लिया, फिर कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस चला गया, फिर यहाँ डिकम्पोजिशन, क्योंकि प्रोड्यूसर भी ख़त्म हो गए, कंज्यूमर भी, डिकम्पोजर के पास जाएगा यहाँ पे P5 के पास, फिर स्टोरेज ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर स्टोर होगा किसी जगह पे, जैसे साइकिल चलता है कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, उसके रिजर्व वायर रह जाते हैं, एनिमल की डेड बॉडी में भी उसके रिजर्व वायर रहते हैं और लिविंग में भी रहते हैं। फिर उसका मटेरियल जो है मिनरलाइजेशन होती है, जैसे ह्यूमिफिकेशन सॉइल बनती है तो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। कम्युनिटी रेस्पिरेशन, कट्ठी रेस्पिरेशन हो रही है, हर्बीवोरस कार्निवोरस कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं, सो एनर्जी यहाँ हीट में कन्वर्ट हो रही है। सो रिलेशन बिटवीन द फ्लो ऑफ एनर्जी ग्रेजिंग एंड डिट्राइटस दोनों में हो रहा है। डिट्राइटस में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रेस्पिरेशन करेंगे और ग्रेजिंग में लार्ज ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो डिस्कशन है इन वेरी ब्रीफ आपको हेल्पफुल रही होगी। आपको अभी बाई शेप एनर्जी मॉडल एंड जो सिंगल चैनल मॉडल है उसका आपको समझ आ गया होगा। और अभी भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। और कैसा वीडियो लगा मुझे काइंडली बता देना, और भी वंडरफुल वीडियो के साथ चैनल के लिए बने रहिए। तो हमने एनर्जी फ्लो मॉडल डायग्राम के साथ डिस्कस कर लिए, बाई शेप मॉडल जिसको टू चैनल कहते हैं और सिंगल चैनल मॉडल आपको मैंने बता दिया। तो कैसा वीडियो लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। और अभी अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले यूज़फुल वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।